खबर बालोद से है जहां गुरूर ब्लॉक के ग्राम पेवरों में बायर क्रॉप साइंस में किसानों का किसान संगोष्ठी किया गया। आपको बता दें, बायर कंपनी के जिला अधिकारी श्री आकाश दुबे की अगुवाई में नागेश्वर साहू सुपरवाइजर के नेतृत्व में किलेश्वर साहू फील्ड अफसर, ओम प्रकाश फील्ड अफसर, संतोष धार साहू फील्ड अफसर, नोहर साहू BLB के साथ किसान संगोष्ठी की गई। तथा बता दें कि आपको बायर कंपनी का AZ 84 33 DT एवं धानी DT रक्षक की विशेषताओं के बारे में अधिक उत्पादन और कम कीटनाशक के खर्चे में बहुत मुनाफा देने वाला विज्ञान का वरदान धान बीज है। वहीं आपको बता दें, आकाश दुबे ने बताया कि भविष्य में बायर द्वारा अधिक उत्पादन देने वाला धान बीज आने वाला है, जिसमें बालोद जिले के घोघोपुरी, भनपुरी, रमतरा, भरदा जैसे अन्य गाँव को किसानों की उपस्थिति में भव्य रूप में 500 किसानों के उपस्थिति में किसान संगोष्ठी का आयोजन और AZ 84 33 DT के धान के बालियों से झोपटी बनाया गया, जिसमें आपको बता दें वैज्ञानिकों द्वारा यह भी जानकारी दिया गया। किसानों द्वारा बहुत इस जानकारी को पसंद भी लोग कर रहे हैं। मैं बायर क्रॉप साइंस में कैंपेन एक्टिवेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एराइज क्या है। एराइज एक बायर कंपनी के धान का ब्रांड नेम है, जिसके अंतर्गत हर अवधि के हर ज़मीन के लिए धान की बीज, हाइब्रिड बीज के बारे में हम किसानों को बताते हैं और बाज़ार में उपलब्ध कराते हैं। अभी मैं आपको आज यहाँ बताना चाहूँगा एराइज का AZ 84 33 DT। ये एक ऐसा धान है जो 130 से 135 दिन की अवधि का धान है और जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है भूरे माहू की समस्या। भूरे माहू की समस्या के अलावा एक और समस्या होती है BLB बोलते हैं हम लोग, जो जीवाणुजनित झुलसा रोग होता है। ये एक बीमारी ऐसी है जिसके आने के बाद कोई दवा से कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसी तरह से भूरा माहू ऐसा कीट है जो किसान के फसल में एक बार आ जाए तो कई बार दवाइयाँ डालना पड़ता है, फिर भी कंट्रोल नहीं मिल पाता है किसानों को। तो उसी को ध्यान रखते हुए बायर ने AZ 84 33 DT को बनाया है। ये ऐसा धान है जो BLB और BPH मतलब जीवाणु जनित झुलसा रोग एंड भूरे माहू के प्रति सहनशील है। सहनशील कहने का मतलब है कि इस पे इनका दिखेगा कि आपको भूरा माहू खेत के पौधों में बैठ रहा है, बट आपको नुकसान नहीं दे पाएगा। इसी धान का नाम है AZ 84 33 DT, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं किसान अगर इसको इस्तेमाल करता है तो वो इतनी मानसिक शांति के साथ रह सकता है कि उसकी जगह पे उसके खेत में DT रक्षक खड़ा है भूरे माहू और BLB से लड़ने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर किसी दूसरे पौधे में अगर कुछ भूरा माहू आता है 5 से 10 20 तो वहाँ पे नुकसान दिख सकता है। उसकी तुलना में 84 33 DT पे चूँकि ये सहनशील है तो आपको इस पर अगर सुरक्षा के तौर पे बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा अटैक होगा 50 से 100 तक के लिए सहनशील है, नहीं तो एक स्प्रे अगर आप कर लेंगे तो भूरे माहू के प्रति पूरी तरह से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं और एक बढ़िया उपज की कामना कर सकते हैं। इसी का नाम है 84 33 DT, AZ 84 33 DT। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।